हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स उसकी वर्कशीट नंबर 106 कराऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 1 अप्रैल 2022। आज की वर्कशीट में हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही करने वाले हैं। तो कौन कौन से चैप्टर के आइए देखो, एक तो चैप्टर नंबर 2 की है पॉलिनोमियल्स की और एक चैप्टर नंबर 15 की आपकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दो ही है केस स्टडी, बहुत आसान है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, चौड़े एंड सार्थक स्टार्ट अ न्यू बिजनेस टुगेदर। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बोथ पार्टनर टुगेदर इज गिवन बाय द पॉलीनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू 4x² + 12x + 5 विच इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल शेयर। कह रहे हैं यहाँ पर दो जने, एक शौर्य एक सार्थक है, दोनों ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, मिलकर स्टार्ट किया। दोनों ने मिलकर कितनी अमाउंट इन्वेस्ट किया वो आपको पॉलीनोमियल के फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द शेयर ऑफ शौर्य एंड सार्थक इन्वेस्टेड इंडिविजुअली। अब इन दोनों ने अलग अलग कितना शेयर लगाया ना, वो आपको फाइंड करना है। एक चीज आगे लिखी हुई है, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल शेयर। तो अगर आप इनके इंडिविजुअल शेयर का प्रोडक्ट करोगे तो ये आया है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको फैक्टराइज कर दूंगी तो इनका इंडिविजुअल शेयर मेरा निकल जाएगा। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट लगाती हूँ, प्लस माइनस करने के बाद तो 12x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए, 20x² आना चाहिए। तो 10 और 2 ले लेते हैं, तो 4x² प्लस का 10x प्लस का 2x इज प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर, यहाँ से मैंने 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2x प्लस का 5, और यहाँ से 1 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2x प्लस का 5, क्योंकि यहाँ कुछ कॉमन था नहीं। तो 2x प्लस 5 एक आ गया आपके पास और 2x प्लस 1 आपके पास एक आ गया। तो एक शौर्य का शेयर है और एक सार्थक का शेयर है। यहाँ लिख देते हैं, आप किसी को भी शौर्य का शेयर मान लो, क्योंकि ऐसा यहाँ पर दे नहीं रखा है। शौर्य शेयर कितना ले लेते हैं हम, 2x प्लस 5 ले लेते हैं, और सार्थक का कितना ले लेते हैं, सार्थक शेयर यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2x प्लस 1। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इफ x इज इक्वल टू 1000 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बोथ। कह रहा है अगर x की वैल्यू दे रखी हो 1000 तो बताओ कितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया। पॉलिनोमियल के फॉर्म में इन्वेस्ट किया था ना, तो पी एक्स आपको दे रखा है यहाँ पर 4x² प्लस का 12x प्लस का 5 है। ठीक है, अब x की वैल्यू आपको 1000 दे रखी है, तो यहाँ पर हम x की जगह जहां जहां भी x है वहां पर 1000 रख देते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 1000 का स्क्वायर प्लस 12, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1000 और प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 × 1000 × 1000 करोगे ना। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 12000 और ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 5। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर इनको सबको प्लस करके लिख देना है। क्लियर है, तो इसको पहले 4 से इंटू करेंगे, तो यहाँ पर इंटू करके लिख देती हूँ मैं, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 12000 और प्लस का 5। जब सबको आप प्लस करोगे तो 4012005 ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए फर्स्ट हो गया केस स्टडी, सेकंड करते हैं। काव्या एंड काशवी हैड सर्वेड फॉर देयर बिजनेस प्लास्टर प्रोजेक्ट टू नो अबाउट द कलर प्रेफरेंस बाय कस्टमर व्हाइल चूजिंग एक्सेसरीज फॉर देयर गैजेट। देयर ऑब्जर्वेशंस वर एज फॉलोज। यहाँ पर कुछ कलर और नंबर ऑफ कस्टमर लाइक द कलर वो दे रखे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसपेरेंट एक्सेसरी। देखो यहाँ पर कुछ कलर्स दे रखे, ये वो देखना चाह रहे थे काव्या के कि कस्टमर्स को किस तरीके के कलर्स पसंद है। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एसेसरी जो ट्रांसपेरेंट कलर के उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहली बात ना, आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ लिख देना ऊपर, होता है आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। डिवाइडेड बाय होता है आपके पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, यहाँ आ जाएगा टोटल आउटकम। अब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है यहाँ पर किसकी, ट्रांसपेरेंट एसेसरी की। तो यहाँ पर लिखना ट्रांसपेरेंट तो ट्रांसपेरेंट एसेसरी है, फेवरेबल आउटकम 21 हो जाएगा। और अगर हम टोटल आउटकम की बात करें तो हम इन सबको प्लस कर लेंगे, 23 में 7 प्लस करोगे तो 30, 30 में 11 प्लस करोगे तो 41, 41 में आप 21 प्लस कर लो 62, और 62 में 8 प्लस कर लो 70। क्या आ गया, आप इसे कट कर सकते हो, 7 की टेबल में 3 और ये 10 पे आता है, तो 3/10 इसको डेसिमल में लिखोगे तो 0.3 आपकी प्रोबेबिलिटी है। क्लियर, सेकंड में कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो पिंक कलर बीइंग चूज। सिर्फ पिंक कलर नहीं होना चाहिए, बाकी सारे होंगे। तो फेवरेबल आउटकम में ये चारों लिख देती हूँ। ठीक है, पहले हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिखते हैं नो पिंक कलर। तो टोटल आउटकम तो 70 रहेगा, और फेवरेबल आउटकम कौन कौन से हो जाएंगे, 7 + 11 प्लस 21 प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, देखो टोटल आपके पास 70 था, 70 में से पिंक कलर 23 हटा दो, तो इसका मतलब इन सबका टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, 47 आएगा।
आ जाएगा आपके पास 47/70। आप चाहो तो इसको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हो डिवाइड करके, तो डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 0.671। तो ये थे आपके पास आज की वर्कशीट ही, वर्कशीट हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई है। कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वर्कशीट हम अपनी नेक्स्ट वीक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।